हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी सेरोना का आईब्रो ट्रिमर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सेरोना का फेशियल ट्रिमर भी रिव्यू किया है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग में कुछ भी बेसिक डिटेल दे रखी है, इसमें 1 ईयर की वारंटी है, तो अगर कोई भी इशू आता है तो आप डायरेक्टली कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिमर को यूज़ करते वक्त कोई भी कट नहीं लगेगा, कोई रेडनेस नहीं आएगी, कोई भी स्किन एलर्जी नहीं होगी। बेसिक डिटेल है इसमें। और एक चीज़ जो कि इसमें लिखा है कि ये ट्रिमर में बिल्ट इन लाइट है, तो ये ट्रिमर में बिल्ट इन लाइट मुझे तो नहीं मिली। सो ये थी बेसिक इसकी पैकेजिंग, जो कि डिटेल्स उसके कार्टून बॉक्स के ऊपर डिस्प्लेड है। अब देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो इस बॉक्स के अंदर ये एक कॉटन क्लॉथ का पाउच है, मैनुअल है। अगेन मैनुअल में आपको बता रखा है कैसे इसको ऑपरेट करना है, डूज डोंट्स बेसिक डिटेल इसमें है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पाउच में क्या है। छोटा सा पाउच है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं अपने पर्स में ट्रेवलिंग टाइम पे। इसमें ये ट्रिमर निकला है आईब्रो ट्रिम करने के लिए, और ये क्लीनिंग ब्रश निकला है, बेसिक सा ब्रश है। और ये जो ट्रिमर है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फ्लॉलेस का आईब्रो ट्रिमर मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको इस तरीके से ये जो बॉटम पार्ट है उसको पुल करना है और ये ओपन हो जाएगा, और इसमें AAA बैटरी लगानी है। बैटरीज ट्रिमर के संग में नहीं आई है, ये मैंने मेरी तरफ से लगाई है। बस सिंपली जैसे हम बैटरीज इंसर्ट करते हैं इस तरीके से करनी है। उसका जो कैप है, बॉटम कैप, वो लगा देना है और इट इज़ रेडी टू यूज़। इसका जो पुश बटन है इसको प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि फ्लॉलेस का आईब्रो ट्रिमर था। क्वालिटी वाइज, फंक्शन वाइज, टच एंड फील, हर तरीके से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फ्लॉलेस का आईब्रो ट्रिमर मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। तो जिन लोगों को फ्लॉलेस का आईब्रो ट्रिमर अब नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, वो ये वाला ट्रिमर ले सकते हैं। तो अब क्विकली देख लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। बस इसका जो ये पुश बटन है इसको प्रेस करना है ऊपर की तरफ और ये ट्रिमर ऑन हो जाएगा। बस अपने जो हेयर है उसके ग्रोथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको इसको चलाना है और ये इजीली जितने भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है हेयर की वो ट्रिम कर देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि प्लक करता है, ये कट करता है, क्या करता है। तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ टॉप लेयर से हेयर को ट्रिम करता है, जैसे बाकी ट्रिमर्स काम करते हैं ये उसी तरीके से काम करता है। ये बस हेयर को ऊपर से ट्रिम करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रूट से निकाल रहा है, प्लकर के जैसे ये काम नहीं करता। इसीलिए इसको यूज़ करने के बाद में कोई रेडनेस नहीं आती, कोई कट नहीं लगता, कोई भी बर्निंग सा नहीं फील होती है। तो इसको आप इजीली, जैसे अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है और आपको ऑल ऑफ अ सडन लगे कि अरे थ्रेडिंग नहीं हुई है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी वजह से इसमें कोई आईब्रोज पर कोई रेडनेस नहीं आएगी और वो बिल्कुल नेचुरल लगेगी। हल्के हाथ से बस आपको ये ट्रिमर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाते जाना है और एक्स्ट्रा हेयर जो है वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो अब आप फिनिश लुक देख सकते हैं, दोनों आईब्रोज कितनी नीट एंड क्लीन लग रही हैं। इस ट्रिमर ने इजीली जितने भी एक्स्ट्रा हेयर थे ऑन ब्राउ बोन वो सारे निकाल दिए हैं, कोई रेडनेस नहीं आई है, कोई कट नहीं लगा है जैसे कि ये क्लेम करता है। इसने बिल्कुल वैसे ही काम किया है। मुझे इस तरीके की आईब्रोज अच्छी लगती हैं बिकॉज इसमें बेस्ट पार्ट है कि कोई पेन नहीं होता। थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस ट्रिमर को क्लीन करना उतना ही इजी है जितना कि इस ट्रिमर से आईब्रोज बनाना है। बस आपको ये टॉप पार्ट जो है ब्लेड का उसको ट्विस्ट करके पुल करना है और ये ब्लेड इजीली आ जाता है बाहर, और इसको जो ब्रश मिला है इस किट के संग में बस उसकी हेल्प से क्लीन कर देना है। ड्राई क्लीन ही करना है, पानी के अंदर नहीं धोना है। ऑल्दो उसमें है कि आप वॉश कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना ही करें। तो बस इसको क्लीन कर देना है, वापस से लगा के इसको स्टोर कर लेना है वो पाउच में, और आप जब चाहें इसको अपने संग में कैरी कर सकते हैं जब भी ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे। बहुत ही हैंडी है ये।
सो ओवरऑल इट इज़ गुड, अफोर्डेबल, प्राइस वाइज बिल्कुल सेम है जैसे कि फ्लॉलेस का है, क्वालिटी वाइज भी सेम है, काम भी वैसे ही करता है। तो अगर आपको फ्लॉलेस का आईब्रो ट्रिमर नहीं मिल रहा है तो आप ये सिरोना का आईब्रो ट्रिमर इजली ले सकते हैं। इसकी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो डू चेक इट आउट। टेक केयर।